नमस्कार साथियों, आइए, आपका स्वागत है हमारे YouTube के चैनल आदित्य स्टडी ग्रुप में। और आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटी का पार्ट टू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष रहे थे और ये हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे थे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद करने हैं दोस्तों, वो इस प्रकार हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और ये लगातार दो बार राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति बनने से पहले ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद के स्थायी अध्यक्ष बनने से पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे। इनकी समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट कहते हैं। परीक्षा में पूछा गया दोस्तों ये सवाल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अमित्र घाट के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम था इंडिया डिवाइडेड। बी आर अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, साथ ही ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। इन्होंने ही अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। और अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जिन्हें लोह पुरुष भी कहा जाता है, वो संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इससे ज़रूरी पॉइंट्स इस प्रकार हैं दोस्तों जो आपको याद रखने हैं। वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री थे। इनकी अभी एक मूर्ति बनाई गई है जो गुजरात में है, नर्मदा नदी के तट के किनारे, जिसकी लंबाई है 182 मीटर। इन्होंने ही हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाया था। जब हैदराबाद रियासत ने भारत में मिलने से मना कर दिया था, तो उन्होंने मिलिट्री फौज हैदराबाद को पास भेजी ताकि हैदराबाद को भारत में मिलाया जा सके। और 2 घंटे में हैदराबाद भारत के साथ संधि करने को तैयार हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गुजरात में बारदोली आंदोलन के दौरान सरदार का नाम पड़ा। यह नाम वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सम्मान के तौर पर दिया था। वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है आचार्य जेबी कृपलानी, ये भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, परीक्षा में बार बार पूछा गया। और साथ ही अगर पूछा जाए तो झंडा समिति के ये सदस्य भी थे। कई जगह इन्हें झंडा समिति का अध्यक्ष भी बताया गया, लेकिन ये झंडा समिति के सदस्य थे। अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर डॉक्टर राधाकृष्णन जी की बात की जाए तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, उसके बाद ये राष्ट्रपति बने। और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, तो वे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं की याद में इनके जन्मदिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो संविधान निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। देखिए दोस्तों, ये संविधान निर्माण में लगने वाला बहुत ज़्यादा समय था। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसलिए इस संविधान को बनाने में इतना समय लग गया। इस संविधान को अलग अलग देशों से जो जो अच्छी अच्छी बातें थी, उस बातों को हमारे संविधान में डाला, इसलिए इस संविधान को बनाने में इतना समय लग गया। इससे संबंधित दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, वो हैं भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस, विधि दिवस, संविधान दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर किया गया था। और कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? यह आया था 1946 में। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने।
ये दोस्तों वरिष्ठ सदस्य थे उस समय संविधान सभा में, इसलिए इन्हें उस समय अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई और राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। संविधान सभा की आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उनमें 3 बातें पर मोहर लगा दी गई थी। और ये बातें क्या-क्या थी? जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान चुना गया, वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत चुना गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में संविधान सभा द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट, किस तिथि को संविधान लागू किया गया? तो दोस्तों संविधान तो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया था, लेकिन इसे लागू करने की तिथि है 26 जनवरी 1950। और इस तिथि को ही लागू क्यों किया गया, 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया, उसके पीछे भी एक कारण है और वो कारण भी आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। 26 जनवरी 1949 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। लाहौर जो रावी नदी के तट के किनारे है, वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की बात की गई और यह भी कहा गया कि अगर उन्हें अगले साल 26 जनवरी 1930 तक पूर्ण स्वराज नहीं मिला तो वो स्वतः ही पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तभी से 26 जनवरी 1930 से हर वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। उसी तारीख को यादगार बनाने के लिए संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हालांकि संविधान 26 जनवरी 1949 को पूरा हो गया था। नेक्स्ट, प्रारंभ में संविधान सभा में कुल कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ थी? तो दोस्तों प्रारंभ में संविधान सभा में कुल 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। हालांकि स्वतंत्रता के बाद जैसे जैसे संविधान में इनकी ज़रूरत पड़ती गई वैसे वैसे इनमें संशोधन किया जाने लगा और संशोधन किया था अनुच्छेद 368 के तहत जो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। इसके साथ दोस्तों आपको कुछ बातें और भी याद रखनी है, वो इस प्रकार हैं कि वर्तमान में संविधान में 448 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। और जो अनुसूचियाँ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं, वे हैं 8वीं अनुसूची जो भाषा से संबंधित है, 12वीं अनुसूची जो पंचायती राज से संबंधित है, 11वीं अनुसूची जो नगर निगम से संबंधित है, इसके साथ ही 10वीं अनुसूची जो दल बदल कानून से संबंधित है, 7वीं अनुसूची है जो केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन करती है। दोस्तों ये सारी अनुसूची आपको याद रखनी है, परीक्षा में इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, संसदीय व्यवस्था, प्रधानमंत्री का पद आदि व्यवस्थाएं किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों ये सभी व्यवस्थाएं ब्रिटेन से ली गई हैं। ब्रिटेन जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब ब्रिटेन की ये व्यवस्थाएं भारतीय संविधान जो बना रहे थे उनको ये अच्छी लगी और ये भारत के संविधान में डाली गई। इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें आपको याद रखनी है जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, वो ये हैं कि ब्रिटेन से इन प्रणालियों के अलावा संसदीय प्रणाली भी ब्रिटेन से ली है, एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ली गई है। भारत में दोस्तों एक ही नागरिकता है, वो है राष्ट्रीय स्तर की नागरिकता। हालांकि अमेरिका में ये 2 स्तर की नागरिकता पाई जाती हैं, एक राज्य स्तर की और एक राष्ट्रीय स्तर की, लेकिन भारत में सिर्फ एक प्रकार की नागरिकता है, वो है राष्ट्रीय स्तर की। जो मौलिक कर्तव्य थे वे रूस से लिए गए थे। नेक्स्ट, एकल नागरिकता और विधि का शासन किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो जैसे कि अभी आपको ऊपर बताया गया था कि एकल नागरिकता और विधि का शासन ब्रिटेन से हमने लिए हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रणाली ली गई है, यह किस देश से ली गई है? तो यह अमेरिका के संविधान से ली गई है। अमेरिका के बारे में जैसे कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि अमेरिका का सबसे पहले लिखित संविधान है और इस संविधान की एक खासियत और है कि यह सबसे छोटा लिखित संविधान है। अमेरिका का राष्ट्र दिवस भी है जो है 4 जुलाई।
अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन, जिसके नाम पर इनकी राजधानी का नाम वॉशिंगटन रखा गया हो। साथ ही जो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, वो सबसे अधिक उम्र के अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जो इलेक्ट हुए। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था ली गई है। ये कहाँ से ली गई है? तो यह अमेरिका के संविधान से ली गई है। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके साथ साथ बताए जा रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वे भी काफ़ी ज़रूरी हैं, वे आपको याद रखने हैं। परीक्षा में उनसे संबंधित सवाल भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, मूल अधिकार लिए गए हैं। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट, संघीय शासन व्यवस्था किस देश से ग्रहण की गई है? तो दोस्तों, ये जो हमारी संघीय शासन व्यवस्था है, जो देश में लागू है, ये हमने कनाडा देश से ली है। और कनाडा से संबंधित कुछ और भी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कि कनाडा से हमने संघीय शासन के साथ साथ संघात्मक व्यवस्था, जैसा कि ऊपर दिया गया है, ये ली है। इसके अलावा अवशिष्ट सूचियाँ भी हमने कनाडा से ही ली है। अवशिष्ट सूचियाँ वे होती हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। इसके अलावा संघ और राज्य के बीच में, ये राज्य है दोस्तों, इनके बीच में शक्तियों का विभाजन की जो प्रक्रिया है, जो पावर मैनेजमेंट है, वो भी हमने कनाडा से लिया है। नेक्स्ट, प्रस्तावना की भाषा ली गई है। तो दोस्तों, प्रस्तावना की भाषा हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया देश जो एक महाद्वीप के नाम पर भी है, जो दुनिया का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है, उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जो संविधान से संबंधित है, कि समवर्ती सूची का प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। केंद्र और राज्य के बीच में जो कैसा संबंध होना चाहिए, इसका प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है दोस्तों। नेक्स्ट, अवशिष्ट सूची प्रेरित है। तो अवशिष्ट सूची हमने कहाँ से ली है? तो अवशिष्ट सूची हमने कनाडा से ली है। और अगर अवशिष्ट सूचियों की बात की जाए, तो टोटल सूचियों की बात की जाए, तो कुल सूचियाँ चार प्रकार की होती हैं: एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची और एक अवशिष्ट सूची। तो देखिए दोस्तों, जब संविधान का निर्माण हुआ था, तब ये अनुसूचियाँ 97 थी, जो कि बढ़कर के अब 100 हो गई है। और इन सूचियों में जो विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार नियम बना सकती है, वो हैं सेना, विदेश, रेल, जो कि महत्वपूर्ण विषय हैं, जिनमें देश की भलाई को देखते हुए कोई निर्णय लिया जाता है, वे सभी निर्णय केंद्र सरकार के हित में हैं। इसके अलावा राज्य सूची है, जिसमें पहले संविधान जब बना था तब 66 विषय थे, जो अब घट करके 59 रह गए हैं। और इनमें विषय हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, वे हैं अदालत, राज्य पुलिस और सफाई। ऐसे ही और भी विषय हैं जिन पर सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। इसके अलावा समवर्ती सूची जो है, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था और उसमें अनुसूचियां जोड़ी गई थी, उसमें समवर्ती सूची के तहत 47 विषय थे, जो कि अब बढ़ा करके 52 विषय कर दिए गए हैं। और इन ये विषय हैं शिक्षा, कारखाने और प्रदूषण नियंत्रण। देखिए दोस्तों, एक बार परीक्षा में सवाल पूछा गया था कि शिक्षा कौन सी सूची का विषय है, तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये। इसके अलावा आती हैं अवशिष्ट सूचियाँ। तो अवशिष्ट सूचियाँ, इसमें संविधान में अनुच्छेद 248 के तहत केंद्र सरकार के पास ये शक्तियाँ दी गई हैं, ताकि वो इस सूची में जुड़े हुए विषयों पर कानून बना सके। इम्पोर्टेंट, किस अनुसूची के तहत केंद्र सरकार अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बना सकती है? नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल संबंधी प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्र के निर्वाचन मंडल, ये सभी प्रावधान हमने आयरलैंड देश से लिए हैं। और आयरलैंड देश से हमने एक और सिद्धांत लिए हैं, वे लिए हमने नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में, और यह है संविधान के भाग 4 में। नेक्स्ट, संविधान संशोधन प्रणाली किस देश से ग्रहण की गई है? तो देखिए दोस्तों, कई बार संविधान में वर्तमान ज़रूरत के हिसाब से फेरबदल की जाती है,
तो संविधान सभा द्वारा इसका भी संशोधन किया गया था कि अगर वर्तमान में या आगे चल करके भविष्य में हमें किसी कानून को बदलने या उसमें फेरबदल करने की ज़रूरत आई तो हम कर सकते हैं। तो यह प्रणाली ली है हमने दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका जो अफ्रीका महाद्वीप का बहुत ही समृद्ध धनाढ्य देश है। इससे संबंधित आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और परीक्षा में इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसका वर्णन है भाग 20 में और ये है अनुच्छेद 368 में। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, उनमें से इनके नाम है केप टाउन, ब्लूमफंटेन और प्रिटोरिया। साउथ अफ्रीका का एक प्रसिद्ध शहर भी है जोहानसबर्ग, जो हीरे के उत्पाद के लिए काफ़ी मशहूर है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ ली गई है। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ ली गई है, ये कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो ये ली गई है जर्मनी से। और जर्मनी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं दोस्तों, वो हैं कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और बर्लिन है स्प्री नदी के किनारे। एक बार दोस्तों सवाल पूछा गया था कि बर्लिन राजधानी किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो यह स्प्री नदी के किनारे बसी हुई है। साथ ही जर्मनी का एक बहुत मशहूर तानाशाह हुआ था जिसका नाम हिटलर था। एक बार दोस्तों हिटलर का पूरा नाम भी पूछा गया था, तो हिटलर का पूरा नाम है एडोल्फ हिटलर, याद रखना दोस्तों ये आपको। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल पर। भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है, ये ली गई है हमने फ्रांस से। फ्रांस से रिलेटेड आपको जो पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं, वो इस प्रकार हैं कि फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस बसा हुआ है सीन नदी के किनारे। पेरिस में एक और मशहूर इमारत है जिसे हम आईफिल टावर के नाम से जाने जाते हैं। ये काफ़ी बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। पेरिस में एक और महत्वपूर्ण संगठन का मुख्यालय है जिसका नाम है यूनेस्को। तो परीक्षा में अगर पूछा जाए कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है पेरिस में। एक बात मशहूर इतिहास में कही जाती है कि नेहरू जी के कपड़े पेरिस से धुलकर ही आते थे। इसके साथ ही पेरिस को मॉस्किटो फ्री सिटी भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों ये सभी सवाल इम्पोर्टेंट हैं और साथ में इनके साथ साथ बताए गए पॉइंट्स जिनसे संबंधित सवाल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को बार बार देख करके इन सभी पॉइंट्स को आप पक्का कर लीजिए। अगर ये क्वेश्चंस और ये पॉइंट्स अगर आपको अच्छे लगे हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई नई नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स।